40 लिख दिया और कितने बच्चे बस स्टॉप पे उतर गए? 14। तो हमने क्या किया, 14
बनाएंगे कि ग्रोएंगे बड़ा करेंगे? बनाएंगे। इसलिए क्यों बनाएंगे? बच्चे 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 कम हो रहे हैं ना भाई, 40 में 14 उतर गए, हमें कुल कितने बच्चे ये बताना है, तो कम हो रहा है इसलिए हम घटाएंगे। तो इकाई की जगह पे गीता बताओ क्या लिखा है? इकाई की जगह पे क्या लिखा है? जीरो। तो इकाई का मतलब चीनी होती है या बंडल? तीली होती है। अच्छा, तो हमें तीलियां बनाने की जरूरत है? नहीं। चलो, दहाई की जगह पे क्या लिखा है? फोर। तो हमें कितने बंडल चाहिए? फोर। तो फोर बंडल बनाओ जल्दी से। तो हमारे अब हमें क्या करना है? जीरो में से चार घटा सकते हैं? जी नहीं। तो क्या करेंगे? उधार लेंगे। किससे उधार लेंगे? बगल वाले से। बगल में क्या है? चार है। फोर। तो हमने उधार लिया, कितना उधार लेंगे? दस उधार लेंगे। तो चलो, चार में दस उधार दे दिया जीरो को, तो अब ये जीरो से क्या हो गया? टेन हो गया। चलो, तो एक बंडल हम खोलेंगे ना उधार लेंगे, ठीक है? भाई दीदी हमारे पास थी नहीं, तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई गीता? मैं भी बंडल खोलेंगे। बंडल खोल के रख दो, कितनी दिलियाँ हो जाएंगी हमारे पास? कितनी दिलियाँ हो जाएंगी? देखो बस ये हमारे पास जीरो था ना, जी हमने क्या लिया? बंडल से उठा लिया, उठा लिया ना। एक बंडल खोलेंगे तो कितनी दिलियाँ हो जाएंगी? दस हो गई। चलो, दस लगाओ दीजिए, ये दस हो गई, ठीक हो गई। अब ये जीरो से इसने इसको उधार ले दे दिया एक दस, तो ये कितना हो गया? दस हो गया। अब दस में से चार घटा सकते हैं? जी जी। तो इसमें से हमने कितनी चार दिलियां उठा लो, उठा लिया। अब हमारे पास कुल कितनी दिलियां बची? ले लिया था। तो ये चार से कितना बचेगा? तीन। तो तीन में से हम एक घटाएंगे तो कितना आएगा? दो आएगा। जैसे तीन बंडल थे हमारे पास, इस तीन में से एक बंडल हमने हटा दिया, कितना बच गया? दो बंडल बच गया। यानी अब बस में कुल कितने बच्चे हैं? छह। ये शार्ट लगा हुआ दिख रहा है सबको? जी। ये लिखा है वेंट टू रिक्रू। रिक्रू का मतलब क्या होता है? नेम बता दो, फिर से बता देते हैं। रिक्रू का मतलब होता है किसी चीज को ग्रुप या समूह से हटाकर उसको दोबारा से समूह में लाना। यानी हम एक बंडल जब यहाँ खोल रहे थे, एक बंडल पहले से ग्रुप में था ना, यानी एक बंडल पहले से एक बंडल का समूह बना हुआ था, उसको हमने खोल के दोबारा से तीनों का समूह बना दिया था ना, उसी को रिग्रुप में करना था। पहला सवाल ये लिखा हुआ है, मोर ऑन द टॉप डोंट स्टॉप। यानी ये 28 लिखा है, 15 लिखा है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं 28 और ये 15 है। ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? टॉप कहते हैं ना। नीचे वाले को क्या कहते हैं? नो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मोर ऑन द फ्लोर, मोर ऑन द टॉप डोंट स्टॉप। यानी अगर टॉप यानी अगर ऊपर ज्यादा है, ज्यादा ही लिखा हुआ है, तो आपको रुकने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत हटाइए, आपको रिग्रुपिंग या हासिल लेने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ टॉप पे 8 लिखा है और फ्लोर पे 5 लिखा है, तो 8 से 5 घटाया जा सकता है, इसलिए हमें रुकने की जरूरत नहीं है। सेकंड है मोर ऑन द फ्लोर गो नेक्स्ट फ्लोर एंड बोरो 10 मोर। जैसे इसमें क्या लिखा है? 28 लिखा हुआ है और नीचे क्या है? 19, और हमें घटाना है। तो ये कहता है मोर ऑन द फ्लोर, जब फ्लोर पे ज्यादा हो, फ्लोर यानी नीचे की तरफ ज्यादा हम लिखे हो, तो क्या करेंगे? हम दूसरी की तरफ जाएंगे और उससे उधार लेंगे। कितना उधार लेंगे? बस यही लिखा हुआ है मोर ऑन द फ्लोर गो नेक्स्ट डोर एंड बोरो 10 मोर, यानी 10 हम उससे उधार लेंगे। जब कब उधार लेंगे? 10 जब नीचे का फ्लोर ज्यादा हम लिखा होगा, ऊपर का टॉप कम लिखा होगा। जैसे यहाँ ऊपर क्या लिखा होगा? 8 में से 9 घटाएंगे तो घट पाएगा? नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे? बगल वाले के पास जाएंगे और उधार उधार लेंगे। एक और बचा, एक है ये कहता है इफ द नंबर आर की सेम, जीरो इज द गेम। नंबर सेम है, ऊपर क्या लिखा हुआ है? 28। नीचे क्या है? अब इसे हमें घटाना है। टॉप पे भी सेम नंबर लिखा हुआ है, फ्लोर पे भी सेम नंबर लिखा है। कौन सा नंबर लिखा है? सेम। सेम यानी ऊपर भी 8 है और नीचे
दहाई करने की बात नहीं हो रही है, ये ध्यान रखो हमेशा। ये जितनी हमने चीजें बताई हैं टॉप और फ्लोर वाली, ये सिर्फ इकाई की तरह में ये लागू होंगी, ये दहाई करने के लिए नहीं है।